नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी है आज 6:30 बजे के आसपास। एंड उस पर्टिकुलर वीडियो पे मैंने बताया है कि 1000 रुपीज के अंडर जो भी 3 बेस्ट स्टॉक्स है जो आप लोग अभी बाय कर सकते हो कल जब मार्केट ओपन हो, एंड आप 1 महीने के लिए अगर उसे होल्ड करोगे ना तो आपको 5-6-10% तक के रिटर्न भी वो स्टॉक्स दे सकते हैं। सो वो वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे और एंड में दिखा दूंगा, आप उसे जाके भी क्लिक कर सकते हैं वीडियो एंड करने के बाद, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ब्रीफली 3 स्टॉक्स बताए हैं जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप एक स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न 1 महीने के अंदर दे सकती है। क्योंकि मैंने देखा यार, बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें लॉन्ग टर्म रखना नहीं पड़ता, उन्हें अगर 3-5% अगर महीने के हिसाब से मिलते रहना तो उनके लिए सफिशियंट रहता है। तो मैं भी पर्सनली यही प्रेफर करता हूं। तो अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए तो मैंने 3 स्टॉक्स डाले हुए हैं और आते रहेंगे, हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा और पोर्टफोलियो के अंदर और स्टॉक्स भी आप लोग ऐड करते रहो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज का सेशन और देखते हैं कि कल मार्केट पर कौन से स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस प्लस ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करेंगे। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, और उसके बाद क्लियरली आप वीडियो के एंड में हम आपसे मिलते हैं। सो हम लोग ट्रेडिंग सेटअप पे आ गए हैं। सबसे पहला स्टॉक है MCX। MCX का मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो 1718 रुपीज का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर है, एक लॉन्ग टर्म रेंज के अंदर है। ये स्टॉक मैंने आपको बहुत पहले भी सजेस्ट करा था और एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ था, और मैंने आपको बताया था जिस दिन ये रेड कलर की 2 लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे गई तो हम लोगों को आराम से ये पर्टिकुलर स्टॉक 50-60 पॉइंट्स नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवा सकता है। सो ये टाइम आ चुका है गाइस, ये एक रेंज के अंदर था। आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ऊपर आया, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से ऊपर आया, यहां पर इसने देख सकते हैं रिट्रेसमेंट ली, हॉल्ट करा ये स्टॉक एंड फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। आज इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, हो सकता है कि कल शायद ये एक इनसाइड कैंडल बना दे और पॉज ले ले और नेक्स्ट दिन एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दे। तो आपको करना क्या है, अभी 1718 रुपीज पे चल रहा है, इस पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पर ऑप्शन पे ट्रेड मत करना और इस एक्सपायरी के लिए तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, बिकॉज अगर कल ये एक इनसाइड कैंडल बना देता है या एक रेंज के अंदर चले जाती है तो प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होगा, क्योंकि जो थे 3 दिन ही बचेंगे हमारी एक्सपायरी को, ठीक है। तो ऑप्शन पे ट्रेड मत करना, करना चाहो तो फ्यूचर पे कर सकते हो, अदरवाइज कैश पे तो आप ले लेना। अगर बाई चांस आपको इस लेवल पे मिलता है तो ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे मिलता है तो थोड़ा और एड ऑन आप कर सकते हो 1700 रुपीज के आसपास का। अब जो मेरा टारगेट है दैट शुड बी अराउंड 1770 to 1800, मतलब 1770 से 1800 रुपीज का मेरा टारगेट है, ये रेंज मेरी टारगेट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो 30 रुपए की रेंज है तो मैं एग्जिट कहां पर करूं, 1770 पे करूं या 1800 पे करूं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 50 शेयर्स बाय करते हो तो मेरे हिसाब से आप 30% क्वांटिटी तो 1770 के आसपास निकाल देना, चाहे 1767 हो चाहे 66 हो, आसपास आप 30 क्वांटिटीज निकाल देना। जैसे वो ऊपर जाना लगेगा और अगर आपका सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाता है तो वहां पर भी आप 20 क्वांटिटी जो आपकी रिमेनिंग है उसको भी एग्जिट कर सकते हो। अब अगर ये 1770 से भी नीचे आना स्टार्ट कर देता है, आपने 30 क्वांटिटीज तो निकाल दिए ना, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एग्जैक्टली अपने करेक्ट लेवल पे रख सकते हो। सो बाई चांस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो आप 30 क्वांटिटीज के प्रॉफिट पे रहते हो और वो स्टॉप लॉस भी आपको कोई लॉस देकर नहीं जाएगा, क्योंकि जहां पर आपने बाय करा था वहीं पर ही आपने एग्जिट करा है। तो ये हमारा पर्टिकुलर स्टॉक जिस पर आप अपनी नजर रख सकते हो, ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है कल या परसों के अंदर, इसको वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग पे देखिए मैंने ऑलरेडी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसे बनाते कैसे हैं, तो हमारे लिए ना जो वीडियो लंबी जा रही है वो और थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। अब सबसे पहले अगर आप रेजिस्टेंस पे फोकस करो, सो मेरे हिसाब से अगर आपने रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो आपको एक चीज तो दिख रही होगी यहाँ पे कि एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, एंड ये पैटर्न के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस पैटर्न व्हाट वी कॉल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट अभी दिया नहीं है, बट देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो आपने एक चीज तो देख ली, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न लोगों को देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज इस पर और फर्दर एनालिसिस करते हैं।
हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार जब ये 3 टाइम्स लगातार एक हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर देखा, उसके बाद से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हर दिन ये नया क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे रहा है, बट आप कैंडल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि बॉडी से ज़्यादा बड़ी तो विक्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, मतलब ऊपर हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है तो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बट स्लाइटली स्लाइटली ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर मैं अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा कि हमें परफेक्टली एंट्री कहाँ पर करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर सपोर्ट लाइन को देखेंगे तो सपोर्ट लाइन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती हुई आ रही है एंड अच्छे से परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि एक रेजिस्टेंस का, हमें एंट्री पॉइंट की बात करनी है वो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट कहाँ पर होगा। सो मेरे हिसाब से जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, ये लेवल है जहाँ पर हम लोग अपना टारगेट एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। अब ये टारगेट आ कहाँ पर है, ये प्रोबेबली जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 1310 रुपीज से लेके 1320 रुपीज का। अभी स्टॉक का प्राइस है 1260 रुपीज का। सो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स तक की अपमूव का टारगेट अभी भी इसके अंदर बाकी है, ठीक है। अब एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। या सो मैं जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आया तो यहाँ पर हमें हर्डल तो पता चल गया, एक ये हर्डल है। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर फर्दर एनालिसिस एक बार करके देखूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा यीरी ट्रेंड लाइन एंड इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक रेंज देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली अपने रेंज के अभी सपोर्ट पे है और यहाँ से एक अपमूव देने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे ये जो पूरी अपमूव है इसका मैं मिड पॉइंट लेना चाहता हूँ, दैट इज़ 50% जो होगा इस पूरी का जो मिड पॉइंट है वो है ये लेवल, ठीक है। ये देखिए, ये सिक्योरिटी साइकोलॉजी, जब भी मैं बात करता हूँ तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो सिक्योरिटी का मतलब मैं एक पर्टिकुलर इंजन ब्रोकिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर साइकोलॉजी की मैं बात करूँ इतनी फर्दर एनालिसिस करने के बाद तो हमें पता लग रहा है कि अभी जो प्राइस चल रहा है 1265 रुपीज़ का, हमें बाय करना है जब ये 1268 या 1270 के ऊपर निकलेगा। सो जैसे ही 15 मिनट की कैंडल अगर 1270 के ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग अपना एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग अपनी एक बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो टारगेट होगा वो 1310 से लेके 1320 का होगा। करना भी यहाँ पर आपको ये 60-70 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो हर 20 या 25 पॉइंट जब भी आपको ऊपर प्रॉफिट मिले ना, कुछ कुछ क्वान्टिटीज एग्जिट करते रहना। क्या करते रहना? कुछ कुछ क्वान्टिटीज एग्जिट करते रहना, बिकॉज मार्केट अभी थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो गई है, तो आप लोगों को अपनी प्रॉफिट्स को सेफ रखना पड़ेगा। ट्रेड तो हमें करना ही है, प्रॉफिट्स को सेफ रखने के लिए हल्के 25-25 पॉइंट ऊपर जाए तो अपने अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहो, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। सो गाइज, मेरा लास्ट स्टॉक है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी की बात करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप हमें ज़रूर जाके फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे दोनों पे लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को रिकमेंडेशंस देते हैं विद प्रॉपर रिसर्च बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो वहाँ पर आपको बहुत नॉलेज भी प्रोवाइड होगी प्लस आप कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। बिकॉज ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ ना, ये मार्केट बंद होने के बाद दे रहा हूँ, हमें नहीं पता ये कल स्टॉक गैप अप खुल सकते हैं या गैप डाउन खुल सकते हैं, बट लाइव मार्केट के अंदर जब हमें कोई ट्रेड मिलता है ना तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से गाइस, अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा, एक लिंक क्लिक करिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का एंड जाके तुरंत ज्वाइन हुई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं अमर राजा मैंने ओपन करा हुआ है, यहाँ पर एक बेस क्रिएटेड है जो कि ऑलमोस्ट एक साल का है। एक साल पर यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, लेट मी शो यू। या आप यहाँ देख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या ये देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट ऊपर गया, इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद दोबारा इसके लिए रेजिस्टेंस फेस हुआ, ब्रेकआउट, इट गेव अ सपोर्ट, अब दूसरी बार फिर आया यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए। अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखोगे या फिर आप वो देखोगे प्राइस पैटर्न, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक पर्टिकुलर लोअर लोज एंड लोअर हाईज फॉर्म कर रहा है। ये देख रहे हो लोअर लोज एंड लोअर हाईज, ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहा था। सी दिस, कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज है।
अब हुआ क्या, अचानक आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, सबसे पहले तो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करा, स्टॉक दोबारा नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं करा एंड आज के दिन दोबारा एक नया हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड था वो पर्टिकुलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी हुई थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट। इस रीटेस्ट पे आप देख सकते हैं 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जहाँ सपोर्ट लिया, एक हैमर कैंडल बनाई और उसके बाद से रिवर्स कर गया। ठीक है, आई थिंक एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँ, यस, थोड़ा सा जूम करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को सबसे पहले हटा देते हैं एंड एक मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, आपको एक पैटर्न तो ऑलरेडी दिख गया होगा, एक रिवर्सल पैटर्न अगर बॉटम पे बनता है तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, आप खुद देख पा रहे होंगे। दिस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक बहुत बढ़िया आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक ब्रेकआउट दिया है एंड मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स आने वाले टाइम के अंदर दे सकता है। सो मैं पहले टारगेट की बात करूँ तो द फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 790 का मेरा पहला टारगेट है, सॉरी एक रेंज, हम लोग रेंज पे ट्रेड करते हैं ना, 780 टू 790 का हमारा पहला टारगेट है, जो मुझे लगता है कल तो नहीं आ पाएगा पॉसिबली, बट 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो वॉच लिस्ट के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं। एंड गाइज, ये स्टॉक एक रिवर्सल स्टॉक है, तो कोई भी अगर इसके अंदर डिप आती है ना तो उस पर हम लोगों को इसे बाय कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट ये 1000 रुपये के लेवल से नीचे आया है, तो इस पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आप हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो स्टॉक बेटर रिटर्न आने वाले टाइम के अंदर दे सकता है। सो गाइज, ये थे हमारे 3 स्टॉक, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो मैंने निफ्टी का ना आपके सामने चार्ट ओपन कर दिया है एंड ये वाली एनालिसिस मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे हुआ क्या और हम लोगों ने बात क्या करी थी, क्या एक्चुअल में वो हुआ पूरा। हमने आपसे बोला था, देख सकते हैं रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि नीचे ब्रेकडाउन दे दे, बट अगर मार्केट बुल रन में है तो अगर गैप अप खुलता तो डेफिनेटली एक बाइंग तो आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके अलावा गैप अप खुला, हमने बोला था 2 टारगेट्स है, सबसे पहला रेजिस्टेंस है ये रेड कलर की लाइन और दूसरा है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये वाला टारगेट है। यहाँ तक आया, उसके बाद देख सेलिंग प्रेशर आया। अब हमने बोला था अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं आई क्योंकि वहां से स्टॉक दोबारा रिवर्स कर गया। अब यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे चुका है एंड यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को अब शॉर्ट जाना है तो आप लोग 17,800 रुपीज़ के नीचे अगर 15 मिनट की एक बियरिश कैंडल क्लोज करती है तो आप लोग अपना शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 17,940 के ऊपर निकल जाती है तो आप लोग अपना एक बाय बना सकते हैं जिसका टारगेट हम लोग 18,000 के आसपास रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये ट्रेंड लाइन भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होगा तो भी मैं बाय कर लूंगा। देखिए, आप मार्केट बुल रन में है, डेफिनेटली मार्केट एक बुल रन में है, बट ऑप्शन का डाटा ना बहुत तेजी से बदल रहा है, जितनी मार्केट ऊपर जा रही है ना उतना ऑप्शन का डाटा में कॉल राइटर्स एड ऑन हो रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ना हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरावट आने वाली है, ऐसा कुछ है, मार्केट अभी 18,100-18,300 तक जाने वाली है, बट ये जो छोटा सा फॉल आएगा ना, रिट्रेसमेंट इसे कहते हैं, थकान जो करेगा पूरी अपनी, वहां पर हम लोगों को बाय करना है। ये देख रहे हैं यहाँ पर इसने डबल टॉप क्रिएट करा, तो जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक बाय के लिए रिस्क बिल्कुल भी मत लो। शॉर्ट करना है तो 17,800 के नीचे कर सकते हो। आई होप आप लोगों को निफ्टी की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो गाइस, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले अपर वाली जो आपको ये जोन दिख रहा है, ये हम लोगों ने क्रिएट करा था, हमने बोला था इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बाइंग करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, ये ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। हुआ क्या, ये दिख रहे हैं ना, ये रेंज हमने बोला था इस रेंज के ऊपर ये हमें बाय करना है। रेंज का ब्रेकआउट दिया इसने 38,080 रुपीज़ के आसपास एंड उसका हाई था 38,380 रुपीज़ का, तो मैंने कहा था ऑलमोस्ट आपको 200 रुपये से 300 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है और वो बहुत ईजिली मिल गया क्योंकि राइजिंग जो ट्रेंड लाइन थी वही हमारा एक टारगेट था। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक डबल टॉप क्रिएट करा है एग्जैक्टली इस लेवल पे भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट करा है और बट पेशेंसली होल्ड करा हुआ है, गिरा नहीं है, होल्ड करा हुआ है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वीक नहीं है, निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है। यहाँ पर अगर मैं अभी चेक करूँ, अगर मैं थ्योरी को यहाँ पर चेक करूँ तो आप देख सकते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस। ठीक है, क्लियरली आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल का, एक सेकेंड, या इस पर्टिकुलर लेवल का यहाँ पर से भी ब्रेकडाउन दिया जो अभी हम लोगों ने निफ्टी के अंदर देखा था और ऐसी बिल्कुल सेम कैंडल्स ऐसी बनी हुई थी।
सो मेरे हिसाब से आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो वो 38,080 रुपीज़ जो मैंने आपको बोला था ना, जो हमारा एक एंट्री लेवल है, उसके नीचे अगर 15 मिनट की बियरिश कैंडल क्लोज होती है तो सीधा शॉर्ट है। अदरवाइज जो 38,200-300 है, 38,300 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग एक बाय करके चल सकते हैं, जिसमें हमें 200 रुपये बैंक निफ्टी रैली करा के दे सकता है, तो हमें ऊपर 200 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज नीचे भी हमें 200 रुपये का टारगेट मिल सकता है। सो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक रेंज देख रहे हैं, इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अदर साइड हायर अगर यहाँ पर ऊपर ब्रेक करता है तो बाय, नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट है, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये प्रॉबेबली क्या करें, ये एक बुलिश मूवमेंट आई है तो ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके फाइनली एक ब्रेकआउट दे, वो वेडनेसडे को भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार ऑप्शन डाटा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइज मैंने ऑप्शन डाटा ओपन कर लिया है निफ्टी का। सबसे पहले तो हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले तो कॉल और पुट चेंज देखते हैं। कॉल है चेंज 14 मिलियन एंड पुट चेंज है 5 मिलियन, सो ऑलमोस्ट 3 गुना का डिफरेंस है। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी हैं और पुट राइटर्स बहुत कम है मार्केट के अंदर, तो यानी कि जो सेलिंग प्रेशर ऑप्शन डाटा के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेल साइड में ज़्यादा है। अब देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताते रह रहा हूँ जब से हम लोगों ने ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी है। क्या मार्केट अगर बुल रन में है तो ऑप्शन डाटा कुछ भी दिखाए, अगर एक बार गैप अप ओपनिंग हो गई और 3 मिनट ऊपर सस्टेन कर गया तो ये पूरा ऑप्शन डाटा बदल जाएगा और यहाँ पर सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगी। अदरवाइज अगर हम लोगों को लग रहा है मार्केट टॉप पे और ऑप्शन डाटा ऐसा दिखा रहा है बट कोई भी गैप अप देखने को ना मिले और इसी लेवल पे खुले या थोड़ा सा नीचे खुले तो हमें क्लियरली शॉर्ट मिल सकता है और उस पर भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो यहाँ पर अब आप लोगों को करना क्या है, कल गैप अप खुले तो 3 मिनट की कैंडल, मतलब 1 मिनट की 3 कैंडल देखो, 2 भी बुलिश कैंडल बनती है तो बाय ले लो, जो भी ऊपर रेजिस्टेंस हो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट जैसी खुलती है और वो इसी लेवल पे खुलती है 10-15 रुपए ऊपर नीचे खुलती है तो आप सीधा शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कल कैसा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉल रेटिंग है 18,000 और 17,900 पे, अभी जो प्राइस चल रहा है 17,855 रुपीज का चल रहा है। हाईएस्ट पुट राइटिंग है 17,800 पे, तो मैंने आप लोगों को निफ्टी पे ऑलरेडी बता दिया कि 17,800 के नीचे ही शॉर्ट करना है बिकॉज वहां पर चार्ट्स पे भी बेस है और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी बेस क्रिएटेड है, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी को अगर मैं चेक करूं, बैंक देखिए निफ्टी पे तो कॉल राइटर 15 लाख थे, अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो पुट चेंज 5 मिलियन है और कॉल चेंज 1.8 मिलियन है, आप चेक कर रहे हैं, तो यानी कि बेस बहुत ज्यादा क्रिएटेड है बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने अभी आप लोगों को कहा ना कि बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है 38,000 पे एंड सेकंड हाईएस्ट है 38,200 रुपीज पे। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 38,170 चल रहा है, बट अगर गैप अप खुल जाता है ऊपर 38,230 के आसपास तो हम लोग 38,300 हम लोगों ने तो बाय करना था 38,300 के ऊपर, अभी मैंने आप लोगों को चार्ट पे दिखाया था इस लेवल के ऊपर बाय करना था। तो हाईएस्ट पुट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 38,300 पे, यानी कि वो एक रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट पे भी है और टेक्निकल एनालिसिस पे भी है। अब जब दोनों चीजें क्लब कर जाए ना तो और उसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो भाई जो कॉल राइटर प्रॉफिटेबल ट्रेड में थे उन लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट होंगे, मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपायरी के पास है, वो लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और उसके शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट वहां से 100 से 200 300 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं नीचे बार्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉल राइटर ने अपनी पोजीशंस एग्जिट करी है 38,000, 37,900 एंड 37,800 पे, तो यानी कि मेरे हिसाब से 37,800 तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। सो अगर कल कोई डिप मिलती है तो उस डिप पे हमें एक्यूमुलेट करना है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक सपोर्ट कहीं ले सकता है, तो अगर कल बाइंग करनी है तो निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग होगी, सेलिंग करनी है तो बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी के अंदर सेलिंग होगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी एनालिसिस, मैं एफआईआर का डाटा नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज वो अभी इस पर अपडेट नहीं हुआ, फ्राइडे का ही एफआईआर का डाटा अभी भी शो कर रहा है तो इसलिए मैं अभी वो दिखा नहीं पाऊंगा, बट एफआईआर का भी 2-3 दिन से कोई ज़्यादा रोल प्ले हो नहीं रहा तो उन्हें भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को एंड
सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने आप लोगों के लिए एड्स हटा दिए, मोनेटाइजेशन हटा दिए गाइस, सो आई होप आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।